इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 30,000 रुपए का इनामी व फरार भूमाफिया अरुण डागरिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फरार भूमाफिया अरुण डागरिया पर थाना तेजाजी नगर, राजेंद्र नगर, लसूड़िया एवं तुकोगंज में कई प्रकरण दर्ज है। वह काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। इंदौर में फरार भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में कई भूमाफियाओं पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। वहीं काफी लंबे समय से फरार चल रहे भूमाफिया अरुण डागरिया को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं अरुण डागरिया ने सैटेलाइट वैली कॉलोनी तेजाजी नगर, प्रिंसेस स्टेट लसूड़िया, पुलक सिटी टाउनशिप राजेंद्र नगर में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर ना ही प्लॉट दिया ना ही पैसे वापस दिए, जिसको लेकर कई लोगों ने DIG हरिनारायण चारी मिश्र को शिकायत भी की। अरुण डागरिया ने प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा देश की राजधानी दिल्ली में भी फरारी काटी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को फरार भूमाफिया अरुण डागरिया की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भूमाफिया अरुण डागरिया वर्तमान में दिल्ली में फरारी काट रहा है। सूचना पर तत्काल एक टीम को दिल्ली रवाना किया गया। वहीं भूमाफिया अरुण डागरिया को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के महिपालपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए भूमाफिया को पूछताछ के लिए थाना तेजाजी नगर के हवाले किया गया। पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इसमें अगर हम जिक्र करें तो चाहे 80 से ज़्यादा अग्नियास्त्र यानी कि जो फायर आर्म्स के पकड़े जाने की बात हो, बड़ी संख्या में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की बात हो, बड़ी संख्या में फरार आरोपियों को जो कि लंबे 6 महीना से फाल भर के पूर्व से फरार थे उनके पकड़े जाने की बात हो, पुलिस ने लगातार एक सघन अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पिछले दिनों हम जानते हैं कि लगभग 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के लगभग 8 से 9 बड़े आरोपियों को पकड़ा चुका था जो लंबे समय से फरार है। इसी कड़ी में अरुण डागरिया नाम के एक 30,000 रुपये के इनामी को पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ 5 से 6 मामले अन्य विभिन्न थाना क्षेत्रों में हैं। मुख्यतः पुलिस का भूमाफियाओं के खिलाफ, विभिन्न ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उसे दिल्ली से पकड़ा गया है और उसे मुख्य तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ के बाद बाकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी तक दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में छुपने की खबर है। बहरहाल अभी पूछताछ के दौरान पुलिस ये करेगी किन किन ने मदद की और कहां कहां छुपा, इस विस्तार से पूछताछ के बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। इसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और अलग से 5 से 6 अलग अलग मामलों में पुलिस तलाश कर रही थी। बहरहाल कई इस तरह के मामलों में लंबे समय से, लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय से पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही है।